अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। और आज हम बात करने लगे हैं, हम साइंस पर बात करते हैं, हम बात करते हैं। मेरी बहुत सारी वीडियोस का मोटो, मेरा लोगो ये है कि आपने अपनी बॉडी की बात सुननी है, आपने चौकन्ने रहना है और अपनी बॉडी की बात सुन के आपने उसकी रिस्पेक्ट करनी है और आपने अपना डॉक्टर खुद बनना है। इन द सेंस के सेल्फ मेडिकेशन मत शुरू कर दीजिएगा, इन द सेंस कि आपने खुद पहचानना है कि मुझे किस 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 चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आज हम बात करेंगे कि आपकी टंग आपको आपकी हेल्थ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसे बता सकती है। सबसे पहले मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर, टंग जो होती है आपकी, इस पर थोड़ी थोड़ी रफनेस होनी चाहिए, ठीक है। इट इज़ नॉट सपोज टू बी कम्प्लीटली स्मूथ पिंक होनी चाहिए, थोड़ी सी रफनेस इसके ऊपर होनी चाहिए। आपके पास एक कंडीशन होती है जिसमें टंग कम्प्लीटली स्मूथ हो जाती है, जो बहुत कॉमन है, और रेड हो जाती है, लाल हो जाती है। मेडिकल फील्ड में कोई भी चीज़ जिसमें इन्फ्लेमेशन हो उसके एंड में हमेशा एक लफ्ज़ लगा दिया जाता है आइटिस, जैसे पेंक्रीटाइटिस, जैसे अपेंडिसाइटिस, जैसे गैस्ट्राइटिस, जैसे टॉन्सिलाइटिस, वैसे ही ग्लॉसाइटिस से मुराद है कि आपकी जो ज़बान है वो सूजी हुई है। और ज़बान क्यों सूजी हुई है, इसका मतलब है किसी ना किसी मिनरल या वाइटामिन की डिफिशेंसी है। अगर ज़बान बहुत शाइनी है और थोड़ी सी सूजी हुई है और ब्राइट रेड है, तो मोस्ट प्रॉबेबली आपको विटामिन B12 की कमी है। अगर उसके साथ साथ आपको ऐसा लगता है, इसको आप कंफर्म कैसे कर सकते हैं कि जब आप सुबह उठते हैं और गले में ऐसे कुछ अड़ा होता है, ठीक है, और जैसे आपको ठीक तरह सांस नहीं आ रहा होता, जैसे लंप होता है, और उसके साथ साथ आपको तेजाबियत की शिकायत भी रहती है और आपकी ज़बान की ऐसी अपेयरेंस है, और कभी कभी सुबह उठते हैं तो ज़बान सफ़ेद हुई होती है, इसका मतलब है एसिड ऊपर आ रहा है, कन्फर्म आपको विटामिन B12 की कमी है। और इस कंडीशन को आप पर्निशियस एनीमिया भी कहते हैं। और विटामिन B12 की कमी का इलाज मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि आप प्रॉपर छानबीन से करते हैं कि B12 की कमी क्यों है। अगर स्टमक में तेजाब कम बन रहा है इस वजह से, तो विटामिन B12 के टीके लगाने से कुछ ही होगा जब तक कि स्टमक का तेजाब ठीक नहीं होगा, बिकॉज विटामिन B12 तब आपके पास जिसम में एब्जॉर्ब होता है जब हाजमा ज़बरदस्त हो, उसकी एब्जॉर्प्शन इतनी कॉम्प्लेक्स और इतने हाजमों के प्रोसेस से गुजरती है। दूसरा, आपके पास विटामिन सी की कमी भी हो सकती है। अगर ये विटामिन सी की कमी की वजह से आपके पास हुई होगी तो आपके पास मसूड़े भी सूजेंगे साथ, क्योंकि विटामिन सी आपके पास बॉडी में कॉलेजन को बनाने में काम आता है, और कॉलेजन आपके पास ऐसी प्रोटीन है जो कि जिस्म में सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, हर टिश्यू, वेसल, टेंडन, हर जगह पे प्रेजेंट है। तो मसूड़े भी अगर उसके साथ बहुत ज़्यादा सूजे हैं और दांत भी लूज़ हो रहे हैं, गम्स जो हैं वो थोड़े स्पॉन्जी हैं, फोमी है, तो ये विटामिन सी की कमी है। इसके अलावा राइबोफ्लेविन की कमी से भी हो सकता है, और बायोटिन राइबोफ्लेविन विटामिन B2 और बायोटिन विटामिन B7 इनकी कमी से भी आपके पास ये हो सकती है। नेक्स्ट, आपके पास अगर आपकी ज़बान बहुत बड़ी ज़बान बाहर निकाले और नाक को टच करने की मैं तो नहीं कर सकती, कोशिश करें, बहुत कम लोग कर सकते हैं, ठीक है, और ये यहाँ आपके पास एहलर्स डेनलोस सिंड्रोम की वजह से होता है, जो कि बहुत कम कॉमन है। एहलर्स डेनलोस सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके पास जिस्म में जो कॉलेजिन प्रोटीन है, जो मैंने बताया ब्लड वेसल्स में भी है, टेंडन्स में भी है, कार्टिलेज में भी है, बोन में भी है, स्किन में भी है, आई में भी है, हर जगह, उसकी फॉर्मेशन ठीक तरह नहीं हो रही होती। उसकी वजह से ऐसे लोगों के जॉइंट्स भी हाइपर स्ट्रेची होते हैं, मोबाइल होते हैं, स्ट्रेचनेस इनमें बहुत ज़्यादा होती है, एंड इट्स अ डिजीज़, इट्स अ सिंड्रोम या उनमें होती है। या फिर आपके पास ये मैक्रोग्लॉसिया, यानी ज़बान बड़ी है, मैक्रोग्लॉसिया बड़ी ज़बान, ये आपके पास या तो तब हो सकती है जब हाइपोथायरॉयडिज्म हो, अपने थायरॉयड हार्मोन चेक कराएं, या फिर तब हो सकती है जब ग्रोथ हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा हो, एक्रोमेगैली हो, या फिर आपके पास अमाइलोडोसिस की सूरत में भी हो सकती है। अमाइलोडोसिस आपके पास एक जनरलाइज सिस्टेमिक डिसऑर्डर है जो कि खास करके आपकी किडनीज को भी अफेक्ट करता है, जिसमें आपके पास जिस्म की एक प्रोटीन है जिसके एबनॉर्मल फोल्डिंग शुरू हो जाती है, एबनॉर्मल डिपॉजिट्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिस्म के इम्यून सिस्टम में बड़ा हैविक क्रिएट कर सकता है। अब अगर ज़बान सफ़ेद है, ये बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकती है। अगर आपको बहुत सख्त इन्फेक्शन हुई है थोड़ी देर पहले और आपने एक एंटीबायोटिक कोर्स किया, तो ज़बान सफ़ेद हो सकती है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जिस्म के बैड बैक्टीरिया के साथ साथ गुड बैक्टीरिया को भी मारती है, और वो मौका देती है बैड फंगस को ग्रो करने का बॉडी में। वो आंतों में भी ग्रो करता है, वो मुँह में भी ग्रो करता है। इससे मैं कहती हूँ कि जब भी एंटीबायोटिक्स लिया करें, साथ प्रोबायोटिक्स ज़रूर लिया करें, बल तो एंटीबायोटिक्स लिया ही ना करें। आपको याद ही नहीं होनी चाहिए आपके हाफ़ज़े में, माशाल्लाह जैसे मुझे, कि मैंने लास्ट टाइम एंटीबायोटिक कब ली थी, ठीक है। या तो इस वजह से हो सकती है सफ़ेद, या फिर आपके पास सफ़ेद इस वजह से हो सकती है कि प्रॉपर फंगल इन्फेक्शन, ओरल कैंडिडियासिस हो सकता है। और यह पहचानेंगे कैसे कि उसकी जो अपीयरेंस होती है ऐसे होगी ज़बान पे जैसे फटा हुआ दही होता है या फटा हुआ पनीर होता है, और उसको आप स्क्रैच करेंगे वो स्क्रैच हो जाएगी, और नीचे से ऐसे जैसे ज़ख्मी ज़बान निकलेगी जिसमें से ब्लीडिंग भी हो रही होगी, अल्सर भी हो रहे होंगे, तो ये फंगल इन्फेक्शन है, इसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। अगर ये स्मूथ और रफ हार्डनेस है, फ्लैट हार्डनेस है, तो आपके पास ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है। इन दोनों कंडीशंस का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्री कैंसरस है और ये कैंसर की
की तरफ जा सकती हैं, और अगर ये वाइट अपीयरेंस लेसी जैसे लाइंस जैसी अपीयरेंस है, वैसी अपीयरेंस है, तो ये लाइकेन प्लानिस भी हो सकता है, और ये ऑटोइम्यून कंडीशन है, क्योंकि जब इसको स्टीरॉयड से ट्रीट करने की कोशिश की जाए तो ये बेटर होती है, और स्टीरॉयड्स तभी उसी कंडीशन के सिम्टम्स इंप्रूव करते हैं जो ऑटोइम्यून हो, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को ठंडा करते हैं। या हो सकता है कि वैसे ही आपको कोई ऑटोइम्यून प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली हो, आपका डायबिटीज़ हो और वो डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो रहा हो, आपकी बॉडी में बैड बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो अपनी पूरी बॉडी के साथ साथ अपनी ज़बान की बात भी सुने। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।